हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। नया दिन और नई शुरुआत। सो दिन की शुरुआत हो चुकी है जैसा कि, और बच्चे आज मतलब हाफ डे था और जस्सिका के स्कूल में, और कल वोटिंग है ना, तो तैयारी हो जाती है। मतलब तैयारी उसकी डंडे से गाड़ देते हैं, मतलब कैबिन बना देते हैं ना लाइन से लगने के लिए, इसलिए तो आज उसकी छुट्टी थी। और लविश लविश नहीं गया क्योंकि दीदी नहीं जा रही तो मैं भी नहीं जा रहा, कुछ खास भी नहीं था तो मैंने कहा चलो छुट्टी कर लेते हैं। फिर हम जाने वाले थे लेकिन मेरे हस्बैंड ने ना कर दी क्योंकि वो बहुत बिजी हैं। फिर बार बार घर में कोई ना कोई सामान लेने आता रहता है, इसलिए उन्होंने कह दिया अभी मत जाओ, 9 तारीख के बाद जाना। मैं अपने घर जाने वाली थी गाइस, और मैंने रात ही फ़ोन कर दिया था अपनी मम्मी को कि मैं आ रही हूँ। उन्होंने खाना वगैरह भी बना लिया। जब मैंने फ़ोन करा 11 बजे दिन में, तो मतलब मैंने 11 बजे फ़ोन करा, अब तो 12 बज चुके हैं। तो मम्मी गुस्सा हो रही कि मतलब पहले बता देते, मैं खाना तो नहीं बनाती इतना सारा। मैंने कहा कोई बात नहीं, भाभी हो भाभी है ना, सब खा लेंगे वहाँ मिलजुल के। हाँ, मैं काफ़ी टाइम से गई भी नहीं थी, अब क्या करें, अब घर में भी रुकना पड़ता है उनकी, बार बार कोई ना कोई सामान लेना आता है। किचन में लाइट जलाती हूँ पहले मैं। और बाकी कल की दाल रखी थी तो मैंने चावल बना दिए बस। हाँ, मैंने कहा दाल क्यों नहीं खाई, दाल बच्चे खा नहीं रहे, मैंने कहा चावल बना दिए, अब चावल के साथ खाओ, तब चावल के साथ दाल खाई है। अब बच्चे अब चले हैं, ऊपर चलते हैं, ऊपर देखेंगे क्या करना है। और हाथ में दर्द हो गया, थोड़ा बॉडी पेन हो रहा है ना इसलिए भी। और उनकी पेंटिंग वगैरह करवाऊँगी, देखते हैं जस्सिका का कुछ पता नहीं क्या है, तो वहीं बैठ जाऊँगी मैं भी। सोच रही हूँ कपड़े धो लूँगी, थोड़े से कपड़े आज धो लूँगी, थोड़े बाकी कल धो लूँगी, सूखते भी नहीं है इतने इकट्ठे, फिर भी गीले अंदर रखने पड़ते हैं। मैंने कहा चलो आज थोड़ा आज कर लेते हैं, थोड़ा कल कर लेंगे। और कल वोटिंग भी है, ठीक है, कल वोटिंग डालने भी जाएंगे, कल मेरी नंद भी आएंगी। सो कल आपको मिलवाऊँगी मैं अपने नंद और नंदोई और उनके बच्चों से और अपनी सासू माँ, सबसे मिलिएगा। सो चलिए चलते हैं, अभी मिलते हैं थोड़ी देर में। मैं सोच रही हूँ चलो चाय बना लेती हूँ, बच्चे अभी ऊपर हैं, अभी बुलाती हूँ उन्हें। गाइस अभी हम आए छत पे और हम करेंगे पहले ड्राइंग, और मैं हाँ बाहर भी जाएंगे अब, और देख लो पढ़ाई भी करूँगा मैं SST। सो गाइस अभी हम आ चुके हैं ऊपर और मैं करूँगा ड्राइंग, मेरे कलर, बहुत सालों बाद करूँगा मैं ड्राइंग, बस एक ही बनाई थी अभी कुछ दिन पहले, नहीं महीने पहले, ब्लैंक पड़ा सब कुछ, ये बनाई थी बस। और ये पता नहीं क्या आधी सी बना के छोड़ दी मैंने, ये पता नहीं क्या किया था मैंने, ये भी पता नहीं क्या किया था मैंने, ये तो अच्छी है, मेरी फेवरेट है। चलो कोई नहीं, खैर बनाते हैं ड्राइंग ड्राइंग ड्राइंग, कोरे कोरे पेज पे लूँगा, अभी तो इतनी मोटी है, इसे बनाऊँगा। क्या है आज हाथ के कपड़े, मैं नहीं जानता कौन है, ये है मेरी पेज, ये है मेरा सामान जो मैं यूज़ करूँगा, मतलब ये एक पायलट पेन जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, 2 तरीके की लोकल पेंसिल, एक कंपास, और क्या था, अरे मेरी चीज़ें कहाँ गई, एक पेंसिल डिटेलिंग के लिए क्योंकि बहुत शार्प होती है, इसलिए गंदी हो गई नहीं, साफ है। कमेंट्स में बताना गाइस ये कौन सा BT 21 है। और 2 तरीके की इरेजर, एक दोनों ही गंदी है, और एक ये पेन, ये थोड़ा मोटा है, बस यही चीज़ें हैं। और यह है कलर्स हमारे, ये तो मैं यूज़ करूँगा, इन्हें भी यूज़ करूँगा, इनसे मैंने नेज़ू को चैन बनाई थी, और बाकी ये सब सामान धरा हुआ है, डाउनलोड नहीं हुई वीडियो, इतनी देर हो गई आया नहीं। सो मिलते हैं अभी बीच बीच में। तो देखिएगा छुट्टी के दिन ये पढ़ाई तो करनी थी, और क्या कर रहे हैं दिखाओ ज़रा, किस चीज़ की कलाकारी हो रही है दिखाना ज़रा। ये दत्तो मायो पागल हो गए हैं ये, कैसा लग रहा है दोस्तों। ये देखो
ऊपर बैठ के मैं मशीन में कपड़े डाल दिए। मैंने कहा थोड़े कपड़े ही धो लेती हूँ, आज ऊपर आए हैं तो धूप भी सेक लेते हैं, कपड़े धो लेते हैं, सैटरडे है और ये लगे हुए हैं अपने दांतों मायों में, चित्रकला में। मैंने कहा टेस्ट की तैयारी कर लो, ये देखो लविश को भी लगा दिया, लविश भी बातों में आ जाता है। मैंने क्या लगाया लविश? भाई आ जाओ ऊपर पेंटिंग करेंगे, ये देखो इनकी पेंटिंग चल रही है, कलर वलर तो ऐसा लेके बैठे हैं बिल्कुल, कितने आर्ट किससे बने हुए हैं, अवार्ड जीत के लाए हैं। कहाँ है दिखाना जरा। गाइस अभी मेरा इतना ज्यादा बन चुका है और यहाँ दीदी का अरे अबे यार ये क्या हो गया, यहाँ दीदी का और यहाँ इतने सारे कलर, और अभी मामा कपड़े धोनी है। सो गाइस अभी तो मैं इस वाले उससे कलर कर रहा हूँ, पेन क्या बोलते हैं दीदी ने, ब्रश पेन। सो गाइस अभी मिलेंगे हम फाइनल लुक में। सो गाइस अभी टाइम क्या हो रहा है, टाइम 9 बज गया और अभी मामा गई हैं ऊपर, सो ऊपर चलते हैं और दिखाते हैं मामा क्या कर रही है। मुझे भी नहीं पता, मैं आराम से यहाँ लेटा था, बस मुझे नहीं पता, तो चलते हैं। बता के रख दिए, मैंने कहा आ जाओ मदद करवा दो, लेकिन मजा ले कोई सुन ले, हमने बोला था आ जाना, हमने ये नहीं बोला था। तो कपड़े नीचे नहीं जाने ना, खाली यहीं रख रहे हैं क्योंकि अभी गीले से हैं हल्के से, सुबह दोबारा सुखाऊंगी। और बाकी देखिए गाइस यहाँ डाल दिए हैं इधर, पीछे ना गिर जाऊंगा, पता चला सीधा नीचे जाऊंगा, जिंदा बचने का कोई चांस नहीं है। टाइम क्या हो रहा है? टाइम 9 9:30 हाँ 9:30 मतलब होने नहीं 9 बजे अभी 9:10 तो देखिए गाइस 9 बजे कपड़े लेने आया, तो ठंड सी लगने लगी है ऊपर भी है ना। हाँ हवा नहीं चल रही लेकिन ठंड लग रही है, फील हो रही है, पंखे हैं। चलो भाई नीचे चलें। ये क्या था? आज ही हो रही है मुझे तो। सबके रात को सो रहे हैं, कमरे में आप कुछ नहीं करते, इस कमरे में बेचारे ये सिर्फ हम गर्मी में आके सोते हैं इस कमरे में, इसका फायदा उठाते हैं फिर। हाँ। ये बेजान हो जाता है, इसमें कोई नहीं आता फिर, सब नीचे ही सोते हैं। चलो जी, और ये जो कलयुग ये होता। मेरा सबसे प्यारा कॉर्नर ऑफ द रूम सबसे प्यारा, पता ये वाला मैट वहाँ पे ट्रेड फेयर में कितने का दे रहे थे, कौन सा ये वाला, ये ऐसे सेम ही हुई। हाँ। कितने का? 500-550 650 रुपए का। हाँ। बताओ, नीचे आ चुकी हूँ मैं, बाकी देखिए अब किचन में चाय वगैरह बनाती हूँ, चाय पीऊंगी। गले में थोड़ा मेरे भी खराश सी होगी, जस्सी का की ठीक होगी थी फिर हो गई इसके। अरे देखो ये देखते हुए सीरियल, बिल्कुल सीरियल नहीं है। हाँ ये अपने कौन से एडिट वीडियो और मैं अपने काम में, सब अपने अपने हट जाऊं। ओहो मुझे हटा दो, बस बस यहाँ तक सही। चलो मैं चाय बना लेती हूँ, मेरे सर में कैसा खुजली सी हो रही है। कल धोऊंगी सर, वेनसडे को धोया था, कल धोऊंगी फिर, काफी दिन हो गए ना। चलिए देखिए गाइस 9:30 बज गए, देखो देखिए दिखा नहीं दिखा, हाँ अब दिखेगा। हाँ ठीक है 9:30 बज गए हैं, अब मैं चाय बनाने जा रही हूँ, चाय के लिए भगोना है। चलो जी चलो चाय रख लेते हैं। और ये मेरे हस्बैंड उबले हुए सिंगाड़े लाए, कोई खाने वाला नहीं है, ये अदरक ली थी बस। चाय लविश दूध पी रहा है ना, ठीक है तो मैं चाय हम दोनों के लिए बनाऊंगी बस, क्योंकि लविश तो ठीक है ना उसे। ये गाइस देखिए मेरी चाय बन चुकी है, इधर इन्होंने परेशान करके रखा हुआ है, ये चाय बन गई। इधर लविश के लिए दूध कर दिया है मैंने, और आज मैंने यूज़ करी है ब्राउन शुगर। सो मैं लाई थी ये ब्राउन शुगर, ये वैसे गुड़ की होती है, मतलब इसमें केमिकल नहीं होते, डिब्बा नहीं मिला तो मैंने इसमें ही कर दी थी। तो आज देखते हैं कैसी लगती है ब्राउन शुगर की, नहीं मैं पहले भी लाई हूँ एक। चलिए चाय तो बन गई,
देखिए कितने परेशान कर रहे हैं, देखिए कितने बदतमीज हैं। छुट्टी रहती है मेरा खून पी जाते हैं पूरा। कुछ काम तो करना नहीं होता, बस पड़े रहो बिस्तर पे। ये नहीं कि पढ़ लो, है ना, एग्जाम तो है ही नहीं। रात कब हो अब, कितनी रात होएगी? हाँ ये देखेंगे अनुपमा, ये घरेलू बनेंगे जी, ये सीखेंगे घर की चीजें। चलिए देखिए मैंने चाय तो कर ली है, लेगा चाय ले चलते हैं हम अंदर। तो चलिए गाइस मैं सारा काम कर दिया, किचन का भी सारा काम खत्म हो चुका है और ऊपर भी सारा मतलब कपड़े वगैरह रख दिए अंदर, क्योंकि अब तो ओस होती है, मैं वैसे भी बाहर छोड़ती नहीं। सो देखिए ये लगे हुए हैं, इनकी कंप्लीट हो चुकी है। कह रहे हैं हमारी वो दिखाओ, चलिए दिखाते हैं। देखो अभी भी पता नहीं किस चीज में लगे हुए हैं। दिखाओ क्या बनाया। सो कमेंट्स में बताइएगा किसका ज्यादा बेटर है। इन दोनों ने बहुत परेशान करके रखा हुआ मुझे। मेरा है वो। एग्जाम आ रहे हैं, एग्जाम की तरह तैयारी कर लो। चलो दिखाओ जल्दी, जल्दी दिखाओ। लविस का तो दिख गया। दिखाओ लविस फर्स्ट। लविस फर्स्ट। मुझे थोड़ा सा कलर करना था और टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा। दिखाओ लो। ले अब तू दिखा। अरे तू ही दिखाएगा। दिखाओ लो, देख लो, दिखाओ कैसा बनाया। नहीं तो देखिए गाइस ये मॉर्निंग से। ओहो ओहो Representing the most handsome guy in the world. ये कौन है? उरुमा की नारुतो दाप्ते माया। हिंदी भी बताओ। उरुमा की नारुतो बिलीव मी। ये देखो ये कार्टून बनाए इन्होंने जो आजकल बहुत पागल हो रहे हैं इसके पीछे ये सारे। सीजन 2 और 3 भी आने वाला है इसका, हिंदी डब। ओ हिंदी डब सब देखने में बता रहा हूं। पढ़ाई मत करो, एग्जाम मत। एग्जाम आ रहे हैं वो याद नहीं है। एग्जाम की याद है कब है एग्जाम की डेट बताना। हाँ हाँ तो डेट याद रखना जरा, याद से नहीं याद करो ठीक है। लविस दिखाओ जल्दी, देखो। तो देखिए गाइस ये लविस ने बनाया, देखो कंपटीशन देखो। लविस अपना मतलब बिल्कुल ड्राइंग में जीरो है, फिर भी देखे टक्कर बिल्कुल बराबर की करी है लविस ने। मुझे तो ज्यादा लविस का बेटर लगा, मतलब मेरा कुछ नहीं है, मैं कवाड़ा। क्योंकि तू ऑलरेडी बनाती रहती है, जो नहीं बनाता उसे ज्यादा पॉइंट मिलेंगे। सो लविस का ज्यादा बेटर है। सो गाइस कमेंट में बताइएगा किसका ज्यादा बेटर बना है। देखिए मैं बता रहा हूँ अगर आपने मेरे नाम ले। तो चलिए गाइस यही थी आज की दिनचर्या, मिलते हैं कल नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। काफी अच्छा दिन रहा जैसा कि सो दिन क्या काम काम रहते हैं, बच्चे घर पे थे परेशान करके रखते हैं। और कल है बोटिंग, बोट डालने जाएंगे और कल मतलब उधर मेरी नंद भी आएंगी तो काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब मिलने जाएंगे उनके साथ ही जाएंगे बोट डालने, उनकी बोटिंग ही है सो उनके साथ ही जाएंगे, बाकी कल देखना। सो चलिए कल हमारे बहुत सारे बच्चों से मिलिएगा। सो चलिए मिलते हैं, हमेशा मिलते हैं। तो मिलते हैं, जाने से पहले लाइक ज़रूर कीजिएगा ठीक है, एक लाइक ज़रूर बनता है, और नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं कल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। इनकी पेंटिंग कभी भी खत्म नहीं हो रही है, ये नहीं कि रख के सो जाए, सोना नहीं है। तो चलिए मिलते हैं कल।